अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर सऊदी अरब से इंडिया आप छुट्टी जा रहे हैं तो आप लोग 7-8 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। क्या है पूरी जानकारी और किस तरीके से आप लोग 7-8 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, पूरी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, सऊदी अरब में जो गोल्ड के प्राइस होते हैं वो अलग होते हैं और इंडिया में जो गोल्ड के प्राइस होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सऊदी अरब से गोल्ड लेकर जाएंगे तो आप लोगों को किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप लोग 24 कैरेट गोल्ड ख़रीदते हैं सऊदी अरब से तो उसका प्राइस क्या है, और इंडिया से ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस क्या है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 80,400 रुपये है, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड का इंडिया के अंदर। अगर आप लोग सऊदी अरब में ख़रीदेंगे तो कितना है, इसके बारे में बताएंगे हम आपको। सबसे पहले हम 22 कैरेट का भी आपको बता देते हैं। अगर आप लोग 22 कैरेट गोल्ड ख़रीद रहे हैं इंडिया से तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 73,700 रुपये का पड़ेगा। अगर आप लोग 18 कैरेट गोल्ड ख़रीदते हैं इंडिया से तो 60,300 रुपये का पड़ने वाला है। अब मैं आपको सऊदी अरब का रेट बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर 24 कैरेट का गोल्ड ख़रीद रहे हैं आप लोग तो 330 रियाल का एक ग्राम मिलेगा। अगर 22 कैरेट आप ख़रीद रहे हैं तो 303 रियाल का पड़ेगा। अगर आप लोग 18 कैरेट गोल्ड ख़रीद रहे हैं सऊदी अरब से तो 247 रियाल का पड़ेगा। अब मैं आपको 10 ग्राम के रेट बता देता हूँ कितने हो रहे हैं। इसको आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गूगल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर सऊदी अरब से आप लोग 24 कैरेट गोल्ड लेकर आ रहे हैं तो 72,586 का पड़ने वाला है, जो कि इंडिया में 80,400 रुपये का पड़ रहा था। अब मैं आप लोग को 22 कैरेट के बारे में बता देता हूँ, 66,336 रुपये का पड़ेगा आप लोगों को अगर आप लोग सऊदी अरब से इंडिया लाएंगे 10 ग्राम। अगर आप लोग 18 कैरेट गोल्ड लेकर आ रहे हैं 10 ग्राम सऊदी अरब से तो कितने का पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 54,339 रुपये का पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के रेट के बारे में और यहाँ के रेट के बारे में कितना फ़ायदा होने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 24 कैरेट का जो रेट है इंडिया के अंदर वो 80,400 रुपये है, और यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 72,586 का पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा होने वाला है आपको 7,814 रुपये का। अब बात कर लेते हैं 22 कैरेट के बारे में। 22 कैरेट का जो रेट है इंडिया में वो 73,700 है, और सऊदी अरब से ला रहे हैं तो आपको पड़ रहा है 66,336 रुपये का। अगर फ़ायदा देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 7,164 रुपये का फ़ायदा होने वाला है 22 कैरेट गोल्ड पर आपको। अगर 18 कैरेट आप ला रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा ये भी आप जान लो, 60,300 रुपये का आपको पड़ेगा 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड इंडिया के अंदर। वहीं सऊदी अरब में पड़ रहा है 54,439 रुपये का। इसमें फ़ायदा देख सकते हैं आप, 5,861 रुपये का आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ आप लोगों को मैं और बता देता हूँ, इसमें मैंने GST और मेकिंग चार्ज नहीं बताए हैं। मेकिंग चार्ज आपको इंडिया में भी देना पड़ेगा, सऊदी में भी देना पड़ेगा। जो GST होती है वो इंडिया में भी देनी पड़ेगी और सऊदी में भी देनी पड़ेगी, लेकिन जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है कितना पैसों का अंतर है वो सेम रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला। जैसा कि आप लोग को मैंने वीडियो में समझाया, इस तरीके से आप लोग को फ़ायदा हो सकता है। अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो 10 ग्राम आप लेकर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग ज़्यादा गोल्ड लेकर जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सऊदी अरब से इंडिया या किसी भी कंट्री ज़्यादा गोल्ड लेकर नहीं जा सकते, ज़्यादा लेकर जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि एयरपोर्ट पर। 10 ग्राम आराम से लेकर जा सकते हैं आप लोग सऊदी अरब से इंडिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश भी ले जाना चाहते हैं तब भी आप लोग लेकर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के लोग या बांग्लादेश के लोग रहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं उनके यहाँ क्या रेट चल रहा है, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। एक वीडियो मैंने बनाया है इससे पहले कि आप लोग सऊदी अरब से कितना पैसा लेकर जा सकते हैं, कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं, सारी जानकारी मैंने उसमें दी है।
डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 10 ग्राम आप आराम से लेकर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को एयरपोर्ट पे। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से 7 से 8 हज़ार रुपये बंदा कमा सकता है, बचा सकता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।